कैंसर का हो रहा है 2019 का, ये कैंसर है, एसटीएससी ओबीसी का मामला है ये। अच्छा, मैं इसको दिखवाता हूं। परसों से एग्जाम है, कोरोना का बढ़ गया है, मैं एक बार अध्ययन कैसे परीक्षा दे पाए मामा जी, मैं अध्ययन करके बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल मामा जी, हमारा मुद्दे बस। तो फ्रेंड्स, ये एक इशू है जिसमें हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे सीएम हैं, उनको एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में उन्होंने बोला है कि इसको स्टडी करेंगे। हालांकि आई एम श्योर कि इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी होगी, बट आई डाउट कि इसमें कुछ स्टेप वो लेंगे। अभी अभी उनके मूड में होगा, हो सकता है वो स्टेप लें, दैट्स पॉसिबिलिटी कि नियर फ्यूचर में वो कोई स्टेप लें। लेकिन उन्हें यदि स्टेप लेना भी है तो ही हैव टू टेक वेरी फास्ट स्टेप, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने के लिए इतना टाइम नहीं है कि इतना वेट किया सके। 21st से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और वी डोंट हैव सो मच टाइम, तो देखते हैं वो क्या स्टेप लेते हैं, लेट्स सी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की तैयारी हो चुकी है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो ऑलरेडी उससे बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। एंड आप सभी लोग इसमें सपोर्ट करें, ट्विटर कैंपेन चल रहा है, इसमें उस कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट करें। आई होप सो आप लोग उसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे आप इस साल दे रहे हो पीएससी, चाहे पिछले साल आपने पीएससी दिया हो, लेकिन आपको पार्टिसिपेट इसमें जरूर करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर ऑफ एनी एस्पिरेंट ऑफ एमपीएससी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसको इसे पार्टिसिपेट कर पाए। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।